वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं नए एक्सयूवी की रिव्यूज़। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी लाइट्स की तरफ में। और इसके अंदर में जो है सबसे पहले तो फॉग लैंप्स मिलते हैं जो बहुत अच्छी हैं। और मेरे हिसाब से ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स दिए हैं इस बार एक्सयूवी में बहुत अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट इसकी ग्रिल की बात करते हैं तो एक क्रोमिक ग्रिल इसके अंदर में मिलती है और जो है 20 लाख की प्राइस बता रहे हैं ये। और इतनी प्राइस में ये क्रोमिक ग्रिल बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद में इसमें आते हैं आपको 17 इंचेस के अलॉयज़ और आई थिंक बेस मॉडल में भी आएंगे ये ना। ये जो मैं आप देख रहे हैं अपने सामने ये है AMT टॉप। यहाँ पे विंडोज़ पर भी इसमें कैमरा देखने को मिलते हैं आपको। इस साइड में अगर आप आएंगे तो ये अजीब से डोर हैंडल्स हैं बट कुछ नया है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इस साइड में भी पीछे में भी आपको 17 इंचेस के अलॉयज़, ये फ्यूल टैंक। और अगर आप लोग इसकी क्रोम की तरफ में देखेंगे तो बहुत अच्छी क्रोम है। ऊपर में है आपको बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, बहुत बड़ी गाइस। बाजू में अगर आप लोग पीछे आप देखेंगे तो XUV 700 की 700 की बैजिंग। ये है AXM वेरिएंट जो टॉप वेरिएंट है। इसके नीचे 3 वेरिएंट्स और हैं। यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह हैं। पीछे अगर आप बूट देखोगे तो उसके ऊपर में कुछ सेंसर्स हैं, एक वाइपर और एक कैमरा भी है, बैक फ्रंट बैक सेंसर कैमरा। जब आप लोग इसे खोलेंगे यूजुअली ये तो प्लास्टिक ही है, बहुत 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 मतलब हल्का है ये, कोई भी खोल सकता है। अंदर भी प्लास्टिक। यहाँ पे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी बूट स्पेस इसके अंदर में देखने को आपको मिल जाती है बट ये इतनी बड़ी बूट स्पेस रियली है नहीं क्योंकि ये इसका थर्ड रो कंपार्टमेंट है। और अभी जो बूट स्पेस बचती है वो है ये। जी हाँ भाई, बहुत कम बूट स्पेस बचती है इस टाइम पे। बट अगर आप लोग एक सीजन बैठ सकता है लास्ट रो में ना तो बहुत मतलब अच्छी स्पेस ही है। बट अगर फुल लोग भर के रहते हैं तो फिर सामान नहीं बनता है, आपको ऊपर कैरियर लगवानी पड़ जाएगी। अब इसके फिर से इंजन की तरफ में आ जाते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इंजन इसका पूरा ओपन इंजन नहीं है, है ना, पूरा क्लोज इंजन है जो 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो सामने खड़ा है वो। क्या ना, इसकी मैक्स पावर 195 स्पीड है पर किलोमीटर। अब इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो इंटीरियर में सबसे पहले तो ये देखो लेदर है ये मतलब। और इधर में आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना, वैसे ही XUV जैसे पहले आती थी वैसा ही सब कुछ है। बट इस बार बहुत सारी चीज़ें अंदर नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। ये जो चीज़ है ये कुशन है बट इसके अंदर में ऐसा कंपार्टमेंट रहता है कि आप आ रहे हो जैसे डोर ओपन होगा ये धीरे से पीछे होंगी आपको वेलकम करेंगी और फिर आप लोग इसके अंदर घुसोगे तो ये वापस हो जाएगी। इधर पर ये कुछ फॉग लैंप्स के सेंसर्स वगैरह हैं, कुछ बटन्स वगैरह हैं। अब आ जाते हैं मेन स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर में कुछ भी नहीं है, ये कॉल्स वगैरह के हैंडल्स हैं, क्रूज कंट्रोल है आपका और जो और एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह आ रहे हैं वो सब भी हैं। इसके बाद में साइड में भी बहुत सारे फीचर्स और ये बहुत मतलब ये प्लास्टिक नहीं है, कुछ और ही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है बट अच्छा है। नेक्स्ट जो आप देखोगे है 17 इंचेस की बहुत बड़ी टच स्क्रीन और स्पीडोमीटर और टच स्क्रीन एक ही साथ में है, मतलब साउंड सिस्टम तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एसी है, ऑटोमेटिक एसी है और ये कुछ अलग अलग टाइप के मोड्स वगैरह हैं जो लाइट्स के हैं, तो आपके फॉग लैंप्स के हैं। नीचे आपको 2 सॉकेट मिलते हैं, एक टाइप सी है, एक माइक्रो यूएसबी है और यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए है, आई थिंक एस्ट्रो है। ये गियर नॉब है, ऑटोमेटिक गियर नॉब और ये जो है ऑटोमेटिक वाला पार्किंग है। इसके बाद में इधर पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ स्पेस और ये आपका डायलर जिससे आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग इसमें देखें तो ये जो साथ में वाइट इंटीरियर है ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे है एक कूलर जिसमें आप अपनी वाटर वगैरह रख सकते हैं, पानी वगैरह ठंडा कर सकते हैं।
नेक्स्ट जब आप लोग आते हैं आपकी सेकेंड रो कंपार्टमेंट के बाहर और ऊपर में अगर आप लोग जब देखोगे तो ये है एक अपना, तो इस इन चीज़ों में ना कोई भी कंपनी चेंज नहीं करती है कभी, है ना। ये भी वही मिरर्स वगैरह लाइट्स वगैरह वही सेम है। और ये इधर पे ऊपर में आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं सनरूफ के, काफ़ी बड़े सनरूफ है, मतलब पीछे वाले लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। इसके बाद मैं आ चुका हूँ सेकेंड वाले रूम में। सेकेंड वाले रूम में आप लोग देखोगे तो अच्छा स्पेस है, मतलब आप लोग अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो भी सही लगेगा सेकेंड वाले रूम में। और देखो वैसे मैंने कहा था सनरूफ अच्छी दिख रही है, वैसे ही है ये। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स वगैरह हैं, स्पेस है, और ये आपको टाइप सी वाला एक प्लग मिलता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब इस सेकेंड रूम में तो बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत 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 अच्छी स्पेस है। बट अभी मैं चलो थर्ड रो का आपको दिखा देता हूँ, तो चलो थर्ड रो में चलते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले आपको ये कप होल्डर्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें क्या ही चेंज करेंगे, है ना। ये आपके यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, कुछ सीटबेल्ट्स के चेंजर्स हैं। एंड थर्ड रो फाइनली चलते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए आपको सबसे पहले सेकेंड रो की जो सीट है उसे इस तरह से फोल्ड करना होगा। बहुत आसान है, अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये है नहीं इतना और अच्छा लगता है। बट थर्ड रो में आप लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे, मतलब एकदम अजीब सी थर्ड रो है इसकी, जो है इधर पे एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, एक पिन भी देखने को मिल जाती है, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, बट फिर भी थर्ड रो जो है बेकार थी। यही थी गाइस हमारी XUV700O। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।